इंसाफ चाहिए सर हमको तो। मतलब इसके सर पे इंटे मारी गई, इसके ताऊ ने इंटे मारी और मेरे घर पे आके ताऊ के लड़के ने फौजी ने जी इंटे मारी, इंटे के साथ इसका सिर फोड़ दिया। जबकि मेरे बच्चे मेरे घर पे थे, मैं घर बाहर पे ड्यूटी गया हुआ था कहीं पे, इस करके मैं तो घर पे है नहीं था जी। नमस्कार, इस समय हम कैथलिक लघु सचिवालय में मौजूद हैं और लघु सचिवालय की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ये मामला है, ये पुंडरी का है। एक लड़की आप देख सकते हैं कि वो सड़क पर लेटी हुई है और परिजन नारेबाजी है वो कर रहे हैं। तो पुंडरी का मामला है, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा इनका हो जाता है तो इनको नया पुंडरी में न्याय नहीं मिलता। आज न्याय पाने के लिए यहाँ SP कार्यालय पहुँचे थे लेकिन SP साहब यहाँ मिले नहीं, तो इन्होंने यहाँ सड़क पर ही धरना देना शुरू कर। जी मैडम, क्या नाम है? रानी देवी सर। क्या लगती है लड़की? मेरी बेटी है सर। क्या कुछ मामला हुआ? मामला सर 5,000 रुपए में हुआ सर। उनके घर पे भी वो कह रहा था कि अभी नबेड़ के जा, अभी दे। कौन कह रहा था? मेरा जेठ सर, जो जिसने वारदात करी, रोशन लाल सर। अच्छा। फिर ना वो मेरे भाई के घर पे आ गए, हम मामला वहाँ पे भी चल 5,000 रुपया हम महीने में या 15 दिन में दे देंगे सर। फिर वो वहाँ पे आ गए घर पे ही, फिर वहाँ पे आके दोनों माँ बाप बेटा आए और बच्चों का सब पे ही उन्हें इंटों बरसा दी, इंटे बरसा दी सर। फिर मेरे भाई घर पे नहीं था सर, ये हमने माँ ने कोई वो नहीं कराया हमला सर। हम तो छुटवा रहे थे वो ना आपस में ही लड़ रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा कराया उन्होंने ना, बच्ची देखी और बच्ची का सिर में ना इंटा के साथ वार कर दिया। तो उसके बारे में पुलिस से मिले आप? मिले सर, वो कह रहे कि राजीनामा कर लो, राजीनामा। मेरे जेठ तो फौजी है ना सर, हम तो गरीब है, इस करके भी कुछ सुनाई नहीं कर रहा सर हमारी। आज यहाँ SP साहब से मिलने की बजाय आप यहाँ सड़क पर बैठ गए हो, इंसाफ चाहिए सर हमको तो। नहीं मतलब SP साहब से मिले हो आप या पहले यहाँ बैठे? आप क्या मांग करते हो आप सरकार से? इंसाफ चाहिए सर जी। ये मेरी लड़की मेरी भांजी है जी, मेरे घर पे आई हुई थी कोमल, इसके सर पे इंटे मारी गई, इसके ताऊ ने इंटे मारी और मेरे घर पे आके ताऊ के लड़के ने फौजी ने जी इंटे मारी, इंटे के साथ इसका सिर फोड़ दिया। जबकि मेरे बच्चे मेरे घर पे थे, मैं घर बाहर पे ड्यूटी गया हुआ था कहीं पे, इस करके मैं तो घर पे है नहीं था जी। घर पे सिर्फ बच्चे थे, जनानी ने उनके साथ मारपीट की गई और मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की गई, मैं घर पे नहीं था जी। देखो मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैंने रिपोर्ट भी करवाई पुंडरी थाने के अंदर जी, तब भी मेरा कोई रिपोर्ट, सभी जो पड़ोसी लोग हैं उनको सभी को पूछ लो जी। मैं तो बाहर था, मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्या बात है। मैं सरसा गया हुआ था जी, सरसा से वापस आया जी, ऐसे ऐसे वारदात कर दी, मेरी तो लड़की मार दी। ये कल की बात है जी, 2:30 बजे की बात है जी, 2:30 बजे की बात थी जी। ये किस बात को लेके हुई? ये इनका आपसी भाईचारे का झगड़ा था जी, लेकिन मेरे घर पे आने का क्या कारण था जी इनका? मेरे घर पे मार के चले गए जी, ऐसे तो अरे कोई आदमी मार के चला जाएगा जी आप किसी के घर पे आके जी। झगड़ा किसी और का था? हाँ आपके हाँ, मेरे घर पे आके जी, और किसी के मामे के घर आई हुई थी लड़की जी, मेरे बच्चे हैं कहने का मतलब जी, तो इन्होंने ईंटे मारी जबकि मौके पे बच्चे थे, लड़के थे। पुलिस में हमने शिकायत दर्ज कराई है जी पुंडरी थाने के अंदर, पुंडरी वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया पुंडरी वाले ने जी, पुलिस वाले ने। अब SP के साथ है, आज भी गए जी, वो समझौता करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम समझौता नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो गुड़िया कहाँ की है और घर कहाँ की रहने वाली है? ये गुड़िया है छोटा सियाणे की, पेवा से है जी, मेरी बहन की लड़की है। ये तो मेरे घर आती जाती है जी, कल आ रही थी 2:30 बजे जी। आप फिर यहाँ SP साहब से मिलने की बजाय सड़क पर क्यों? सड़क पर SP साहब से मिलने आए थे जी, अब उनको आश्वासन दिया था SP को, है यहाँ पर SP थे, लेकिन पुलिस वालों ने वो निकाल दिया जी, SP गाड़ी उठा के चला गया और हम यहाँ रह गए जी ऐसे ही, SP साथ ही साथ चला गया जी। मांग करते हो अब सरकार? हम मांग करते जी अगले गिरफ्तार करो जी, कार्रवाई करो, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाओ और बाकी जो कार्रवाई करवा देंगे जो भी है। पुलिस पे आरोप लगाएंगे कि कार्रवाई नहीं कर रहा। कार्रवाई होगी, सही कार्रवाई होगी, दाखिल करा देंगे।